हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ईशा का जायका। इस वीकेंड पर आप भी अपने घर में ये ठेले वाली चाट बनाए और मुंबई के स्ट्रीट फूड का मजा लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले हम टिक्की बनाएंगे, उसके लिए यहाँ पर मैंने हाफ कप पोहे लिए हैं। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। उसे मिक्सर जार में हम लेंगे दो हरी मिर्च, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, फ्रेशनेस के लिए धनिया के डंठल, एक चम्मच पानी डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब रगड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बोल सफेद वटाना को ओवरनाइट भिगो कर रखा था, उसका पानी निकाल कर एक कुकर में ले लेंगे। रगड़ा पेटिस में सफेद मटर का ही इस्तेमाल होता है। 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, पिंच ऑफ खाने का सोडा ऐड करेंगे और मटर डूबने तक पानी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून घी ऐड करेंगे और इसकी 6 से 7 विसल लगा लेंगे। पैटिस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 5 बड़े साइज के आलू लिए हैं। इसको मैंने उबाल कर छिलके निकाल कर मैश कर लिया था, उसमें नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। अब बाकी के मसाले ऐड करेंगे। स्वादानुसार नमक, पिंच ऑफ हींग, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर डालेंगे और अब इसके बाइंडिंग के लिए ऐड करेंगे क्रश किए हुए पोहे, नियर अबाउट 4 टीस्पून। अभी हम 4 चम्मच जितना डाल रहे हैं, अगर ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। मेरा फेवरेट फ्रेश धनिया और 1 टेबलस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड करेंगे। वन टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और चम्मच की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। जब भी रगड़ा पेटिस के लिए पेटिस बनाते हैं तो उसमें कम से कम मसाले डालने हैं और सारे बेसिक मसाले डालने हैं। देखिए, अभी हमारा मिक्सचर एकदम ड्राई लग रहा है, इसमें ज़्यादा पोहे का पाउडर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर आपको थोड़ा गीला लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। अब हाथों को तेल से ग्रीस करेंगे और छोटा सा पोर्शन लेके इसकी मीडियम साइज की पैटीज बना लेंगे। आप साइज अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। देखिए, एकदम परफेक्ट बनी है। इसी तरह से हम सारी पैटीज बना लेंगे। कुछ लोग यहाँ पर बाइंडिंग के लिए बेसन या फिर ब्रेड ऐड करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मुंबई स्ट्रीट स्टाइल बना रहे हैं तो वहाँ पर इसी तरह से बनाया जाता है। फ्रेंड्स, एक बात का खास ध्यान रखना है, आलू मैश करते वक्त जरा भी गुठली नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो आप जब पैटिस बनाएंगे तो साइड में क्रैक्स आ जाएंगे। पैटिस की साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। हमारी सारी पैटिस बन गई है। अब इसको एकदम ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसको डस्ट करेंगे कॉर्नफ्लोर से। एक बोल में कॉर्नफ्लोर लेंगे, और इस तरह से पैटीज को डिप करके एक्सेस कॉर्नफ्लोर निकाल देंगे ताकि जब हम खाएंगे तो ऊपर से एकदम क्रिस्पी होंगे और अंदर से एकदम माउथ मेल्टिंग। कॉर्नफ्लोर की लेयर ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, एकदम हल्की सी पतली सी होनी चाहिए। चलिए, अब फटाफट इसको सेक लेंगे। उसके लिए एक तवा गरम करेंगे, ऊपर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे और पैटिस को असेंबल करेंगे। अब थोड़ा सा तेल स्प्रिंकल करेंगे और दोनों तरफ पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे।
सुपर। हमारी पैटीज अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसको एक रैक पर निकाल लेंगे ताकि वो नीचे से सोगी ना हो। हमारी सारी पैटीज रेडी है। अब फटाफट रगड़ा बना लेंगे। उसके लिए एक पैन लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून तेल। तेल गरम होते ही थोड़ा सा जीरा और पिंच ऑफ हींग ऐड करेंगे। हमारा जीरा क्रैकल हो चुका है। अब सफेद वटाना ऐड करेंगे जो हमने कुक करके रखे हैं। इसके साथ साथ ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून क्रश की हुई ग्रीन पेस्ट। थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए उबाल लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच बेसन लिया था और उसमें पानी डालकर उसकी स्लरी बना ली थी, वो ऐड करेंगे। बेसन डालने से बाइंडिंग भी आ जाएगी और उसका टेस्ट भी एकदम मस्त लगता है। कुछ जगह पर यहाँ पर उबले हुए आलू को भी मैश करके डालते हैं, तो अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप आलू भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर उबाल लेंगे। परफेक्ट। इससे ज्यादा गाढ़ा हमको नहीं करना है और इसमें कोई भी मसाले नहीं डालेंगे। अब फटाफट इसको असेंबल कर लेंगे। आज हम इसको सर्व करेंगे मुंबई स्ट्रीट स्टाइल। उसके लिए एक डिस्पोजेबल बॉल लिया है, उसमें थोड़ा सा रगड़ा ऐड करेंगे, उसके ऊपर पैटी रखेंगे। चाट की हरी चटनी, थोड़ी सी लहसुन की तीखी चटनी और इमले की मीठी चटनी, बारीक कट किए हुए प्याज, थोड़ा सा चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी सेव, लास्ट में धनिया स्प्रिंकल करेंगे। गार्निशिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपके पास अनार के दाने हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो तैयार है हमारे मुंबई स्ट्रीट स्टाइल रगड़ा पेटीज। अभी हमने इंडिविजुअल सर्व किया है, अगर आप चाहो तो इसको प्लेट में भी सर्व कर सकते हो। ये रेसिपी ना एकदम सिंपल है और जितनी सिंपल है उससे कई गुना ज्यादा टेस्टी है। तो इस वीकेंड पर ये रेसिपी जरूर ट्राई करना और अपने फीडबैक्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी बी हेल्दी।